अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है चारों दालों की। ये चारों दालें हम लोग बनाएंगे, लेकिन इसको हम लोग पहले भिगो देंगे और फिर इसकी हम जो है वो मेकिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले इसको भिगो देते हैं और फिर देखेंगे जो सी हमारी मज़ेदार सी ये चारों दालों की रेसिपी है ये कैसे तैयार होगी। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया था कि आज की जो सी हमारी रेसिपी दाल की, हम जो चारों दालें पका रहे हैं और ये जो है वो हम खट्टी दाल पका रहे हैं आज, ठीक है। तो इसकी रेसिपी क्या है, ये कैसे बनेगी, जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक प्याज ले लिया है और डाल दिया है एक डोई, ठीक है। तो वो ना मैं पकने रखे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है एक अदद प्याज लिया है, उसको हम लोगों ने से ना मैं थोड़ी सी अंदाजे से इमली डालूंगी दाल के हिसाब से, खट्टी दाल है ना। हाँ जी, इमली डालूंगी उसका ना मतलब रस निकाल के, ठीक है। ये लहसुन अदरक है, ये एक चम्मच मिर्च का नमक है, ये आधा चम्मच है दादरी मिर्च का, आधा चम्मच है जीरे का, आधा चम्मच है हल्दी का, आधा चम्मच है ये लाल मिर्च का। हाँ जी, जो ये चारों दालें हैं ये देखें, हमें धो के ना इसे भी डालती हूँ। तो ये हम लोगों ने इनको भिगो लिया था, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि पहले मैंने आप लोगों को दिखा दिया था एक शॉर्ट के हम लोगों ने दालें कौन सी ली हैं और यहाँ पे हमने भिगो दिया। तो अब हम लोगों ने जो अपनी रेसिपी को शुरू कर ली है, हम लोगों ने जो प्याज इसको ब्राउन होने के लिए रख दिया है, तो चलते हैं चूल्हे की तरफ, देखते हैं जो हमारी मज़ेदार सी खट्टी दाल की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। जी तो नाज़रीन, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने प्याज दिया है उसको हम लोगों ने यहाँ पे ब्राउन होने के लिए रख दिया है। काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा शोर हो रहा है और जो हम लोगों ने प्याज है उसको ब्राउन करना है। उसके बाद देखना है कि हम लोगों ने जो भी मज़ेदार सी खट्टी दाल की रेसिपी है, क्योंकि दाल और खट्टी हो अगर इसको बनाया जाए और चार के साथ खाया जाए या चावल और साथ, तो क्या ही बात है। तो व्यूअर्स, आज की जो भी रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है और देखना है कि जो सी खट्टी दाल की रेसिपी जो कि चारों दालें ही आज हम आपको बनाना सिखा रहे वो कैसे तैयार होगी। तकरीबन एक टेबल स्पून हम लोगों ने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल कर दिया है और तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से इसको भूनना है। ये मैंने मसाले डाल दिए साथ, क्योंकि इमली बाद में डालनी है, अगर पहले डाल दी ना तो दाल गलेगी, ठीक है। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर कि पहले हम लोगों ने जो प्याज है उसको लाइट सा हम लोगों ने कलर दिया है और उसके बाद जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो शामिल कर दिया। और अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को पूरा देखा तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने कौन कौन सी नमक मिर्च शामिल की है इसके अंदर, तो वो हम लोगों ने डाल दी है। और अब हम लोग जो इसका मसाला है वो यहाँ पर भून रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर आ रही है मसाला भूनने की। तो ये तकरीबन हमने एक भून पानी का भी शामिल कर सकते अच्छी तरह से, बहुत सा ये मसाला है भुना जाए, भुना जाए। अब दो मिनट भूनते हैं इसे तो फिर आपको दिखाते हैं। अब हम लोगों ने इसके अंदर जो है पानी भी शामिल, इसके बाद हम लोग इसके अंदर दाल डाल देंगे। हाँ जी, तो ये हम लोगों ने पहले इसका मसाला तैयार कर लिया। यहाँ पर जो इमली है वो हम लास्ट पे डालेंगे, क्योंकि कोई भी खट्टी चीज़ उसको लास्ट पे पहले नहीं डाला जाता, जब मतलब फाइनल होने वाली होती है आपकी रेसिपी तब आप शामिल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पानी शामिल कर दिया है, इसके अंदर मसाला हम लोगों ने पहले भून लिया है। बहुत ईजी सी रेसिपी है ये खट्टी दाल की, खट्टी दाल बहुत पॉपुलर है और जो मतलब जो हमारे सिंधी बहन भाई हैं वो तो मतलब बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं खट्टी दाल के, और वो अपने अमूमन खानों में जो है इमली या नींबू है ना इस तरह चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं जो सिंधी हमारे बहन भाई हैं, वो लोग इस ना मतलब अपनी रेसिपीज़ में उसको ज़्यादा खट्टा बनाते हैं, खट्टे खाने को ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हम लोगों ने भी आज आप लोगों के साथ सोचा कि खट्टी दाल की जो रेसिपी है उसको शेयर किया जाए, क्योंकि दाल तो बनती है लेकिन हम लोगों ने सोचा कि आज खट्टी दाल आप लोगों को सिखाई जाए। तो दाल लोग काफ़ी लोगों को पसंद होती है, तो उम्मीद करता है कि व्यूअर्स आपको जो सी हमारी आज की रेसिपी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमें अपनी फीडबैक ज़रूर देंगे कि जो सी हम लोगों ने आज आपके साथ दाल की रेसिपी शेयर की है वो आपको कैसी लगती है। तो मज़ीद हम लोग और पानी शामिल कर रहे हैं इसके अंदर, बस इतने ही डालना है, ठीक है। तो व्यूअर्स आप लोग अपने हिसाब से जितना आप लोगों ने दाल ली है और पानी डालना है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब हम उसको प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। हाँ जी, मेरी अम्मी बनाती थी बहुत मज़े की बनती थी, मैं बोल बल्कि उन्हें फरमाइश करके पकवाती थी, ठीक है। तो आज यानी कि हम लोग अपनी जो फैमिली की रेसिपी है जो मेरी नानी है मज़े की, हाँ बहुत मज़े की, हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रेशर कुकर बंद कर दिया, तो इसकी सीटी बजने का वेट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो हमारी दाल है वो कैसे तैयार हो। ये खोलने लगे,
देखिए माशाल्लाह कैसी प्यारी बन गई है दाल। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है दाल जो हमारी भी तैयार हो गई है यहाँ पे। और हम लोगों ने जो इसको प्रेशर कुकर में रखा था दम पर, उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर डालना है गरम मसाला, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो खट्टी दाल की है। खट्टी दाल हम लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। अभी मैंने ना इसमें ना वो भी डालनी है, तो अभी हम लोगों ने गरम मसाला डालना है। इसी दौरान हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो कसूरी मेथी वो हम लोगों ने कस्तूरी में वो शामिल करनी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोगों ने बिल्कुल लास्ट पे शामिल करनी है। अभी इमली का पानी भी डालना है, और इमली का पानी भी, क्योंकि हमारी आज की जो सी दाल की रेसिपी है वो खट्टी दाल है, तो इसलिए हम लोगों ने पहले यहाँ पर दाल को तैयार कर लिया है। हम लोगों ने गरम मसाला भी डाल दिया, मेथी भी डाल दी, और लास्ट पे फाइनली जो हमारा मेन इमली का पानी डाल दिया वो हम लोगों ने डाल दिया है। वो अपनी मर्जी से आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है। किसी को मतलब खट्टा पसंद नहीं होता, ज़्यादा किसी को होता, लेकिन हमारी तो क्योंकि बेसिकली रेसिपी ही खट्टी दाल की है, तो इसलिए हम लोगों ने ये जो है खट्टी दाल यहाँ पे हम लोग तैयार कर रहे हैं। हम लोगों ने इमली का फल इसके अंदर डाल दिया है, पानी डाल दिया है, और इसको मिक्स करेंगे बस, और ये फाइनल हो चुकी है हमारी जो रेसिपी है। पकने लगे भी दिखाते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स आप लोगों ने कहीं जाने वीडियो को पूरा देखना कि इसकी फाइनल लुक क्या होगी। जी तो व्यूअर्स ये हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और आप लोग ये देख सकते हैं कि थिकनेस कैसी है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह खुशबू आ रही है। तो अब हम लोग इसे थोड़ी देर के लिए पकाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो सी हमारी दाल है फाइनली वो तैयार हो गई है, बबल्स इसके अंदर बनना शुरू हो गए हैं। तो हम लोगों ने जो इसके अंदर इमली का पानी है वो भी शामिल कर दिया है, और इसके अंदर हम लोगों ने गर्म मसाला भी डाल दिया है, कसूरी मेथी भी डाल दी है। तो मम्मा अब हम लोग क्या इसको तड़का लगाएँगे? नहीं, ऊपर से ना मैं लगाऊंगी ना तड़का, इसे डाल के लगा देती हूँ ना तड़का। अभी ये गर्म हो जाए ना, अच्छी तरह पक जाए, क्योंकि इमली का पानी डाला है ना इसमें, ठीक है। तो अच्छी तरह हम लोगों ने पकाना है, और फिर इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो तड़का लगाना है। वैसे मैंने भून के पकाई है मसाले वाली, ये देखें पकने लग गई। तो व्यूअर्स हम लोगों ने यहाँ पर ही जो दाल को डिश आउट कर ली है माशाल्लाह। अब मैं इसे ना तड़का भी लगा के आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं, जो हम लोगों ने चारों दालें पकाई हैं खट्टी दालें, हम लोगों ने जो खट्टी दाल है चारों दालों की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपको हमारी आज की रेसिपी है वो पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमें अपने फीडबैक देना मत भूलें। तो अब हम आप लोगों से इजाज़त है, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त है, हम आपके लिए दुआ गो, हमें दुआ में याद रखिएगा। और ये मज़ेदार सी दाल की जो सी रेसिपी है, जिन लोगों को दाल चावल पसंद है, जो लोग दाल ज़्यादा खाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही आज उम्दा हमने रेसिपी शेयर की है, वो इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको चावल के साथ खाएं या जैसे रोटी के साथ, जैसे मर्जी खाएं आप लोग। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको तड़का लगा दिया है, और आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो अब हम आप लोगों से ज़्यादा चाहते हैं कि इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।